मैं ये मानता हूँ कि इसमें सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई, विशेष रूप से विकास के रूप में वो पूरी तरह से फेल, क्योंकि 8 महीने व्यतीत होने के बाद किसी भी निर्माण एजेंसी के पास, निर्माण का काम करने वाले विभागों के पास एक भी बजट का पैसा अवमुक्त न होना, पिछले तो ठेकेदारों की बिल पड़े हुए हैं उनका भुगतान न करना, आगे के लिए कोई नए कामों का शासनादेश न कर पाना, ये सीधे सीधे सरकार की असफलता दर्शाती है। और अगर ये स्थिति रही तो मैं समझता हूँ जिस बिंदु को लेकर के हमने राज्य का निर्माण किया था, जो हमारी कल्पना थी, वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है यहाँ कोई भी सरकार स्थायी 10 साल तक नहीं रह पा रही है। कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं उनको बदल दिया जाता है, दूसरी आती है फिर वो अपने तरीके से काम करना शुरू करती है। तो हमारे प्रदेश को 16 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, तो विकास के रूप में भी दूसरी चीज़ों के रूप में भी जो उसको बढ़ना चाहिए था उसमें फिर भड़क लग जा रहा है। तो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस प्रदेश में सरकारें आती हैं तो भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा चढ़ा के कहती हैं, और जब उन मुद्दों पर जांच होती है तो कहीं पर भी कुछ मिलता नहीं है। आज तक कोई किसी पर कोई कार्रवाई की नहीं, जब से राज्य बना है तब से आज तक भ्रष्टाचार करने वाला कोई व्यक्ति आज तक शिकंजों के अंदर नहीं है। यहीं इस सरकार के बनने के बाद इन्होंने 3 मामले बहुत जोर शोर से उठाए। पहले NH-74 वाला मामला है जिसमें उन्होंने CBI जांच करने की मांग कही है, CBI ने स्वीकार कर लिया, भी कहा है जांच करना, और उसके बाद आज तक 8 महीनों में CBI कहाँ है ये पता नहीं होता किसी को। दूसरा, इन्होंने छात्रवृत्ति का घोटाला उठाया था, अब उस पर भी क्या हो रहा है यही बता सकते हैं, उसका भी समय व्यतीत हो रहा है। तीसरा घोटाला अभी इन्होंने चावल वाला कहा है, और जिसमें इन्होंने कुमाऊं के सारे अधिकारी को गढ़वाल डाला, गढ़वाल के अधिकारी को यहाँ डाला, और RFC को उसकी जो समय वृद्धि दी थी पिछली सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया, और कहा कि 600 करोड़ का घोटाला है। और लेकिन जब उसके तह में गए तो इनका प्रमुख सचिव कहता है कि नहीं साहब, अभी तो हम ऑडिट करा रहे हैं, ऑडिट में तो पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या है, ये घोटाला कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तीनों शब्द उसके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई राजनीतिक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि 600 का घोटाला हो गया? केवल जनता के ध्यान को भटकाने के लिए, सरकार की कमियों को लोग उजागर न कर सकें उसको अनदेखी करने के लिए ही इस तरह की बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। और हमने ये सोचा था कि प्रदेश नया बनेगा तो यहाँ के राजनीतिक लोग, यहाँ की सरकारें बहुत ढंग से काम करके प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का वातावरण बना करके प्रदेश का हित कर रहे हैं। वो तो मोदी जी ने बहुत लच्छेदार भाषणों में चुनाव में कहा था कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का कोई बेरोजगार नौजवान बेरोजगार नहीं रह पाएगा, और प्रतिवर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। और आज जब आंकड़े आ रहे हैं तो उन आंकड़ों में मनमोहन सिंह जी से भी बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। 1/3 सीमा तक भी अभी तक मनमोहन सिंह जी के रोजगार देने के स्थितियों में नहीं पहुंच पाए। केवल वोट लेने के लिए हम कोई नारे दें तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है, उससे देश का हित नहीं हो सकता है। बेरोजगार बहुत परेशान है, सड़कों पर है, रोजगार उसको मिल नहीं पा रहा है, और अब भविष्य ये दिख नहीं रहा है। एक नारा लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने और कह दिया कि रोजगार मांगने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो। रोजगार देने वाले जब उस व्यक्ति को बनाएंगे आप, तभी तो रोजगार दे पाएगा, पहले उसको रोजगार देने वाला बनाएंगे तो सही, कहाँ से देगा वो रोजगार? तो ये खाली जुमलेबाजी मैं समझता हूँ इस प्रदेश देश के हित में नहीं है।